हेलो स्टूडेंट, कल हमने एक्सेल के अंदर सम किया, परसेंटेज किया। आज हम देखेंगे सब्सट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं, डिवाइड किस तरीके से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट शुरू करेंगे, और मान लीजिए टोटल में से आपको माइनस करना है किसी वैल्यू को, तो टोटल फिर माइनस का साइन लगाएंगे और गिवन और आपने किया और एंटर किया, एंटर करेंगे तो देखिए ये वाली वैल्यू माइनस हो गई उस वैल्यू में से, और उसके बाद में यहां से इसको ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्ट की या मल्टीप्लाई बोल दीजिए, प्रोडक्ट करने के लिए प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आप टैब दबा लें और देखिए जितनी भी वैल्यूज आपको करनी है, लाइक जैसे मान लीजिए मेरे को ये तीन वैल्यूज करनी है, तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं। एंटर किया, ये प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद में वही सेम मेथड है, आप इस तरीके से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए डिवाइड देखते हैं, इक्वल्स टू जैसे मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है ये मेरे को डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन लगाएंगे और मान लीजिए टोटल से डिवाइड करना, तो मैंने डिवाइड किया तो ये देखिए ये मेरी वैल्यूज आ गई, ये डिवाइड का फॉर्मूला, ये सब्सट्रैक्ट प्रोडक्ट और डिवाइड का। उसके बाद में देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एवरेज के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे एवरेज जो है वो कंप्लीट एवरेज लगता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला है, और उसके बाद में आप रेंज को सिलेक्ट करिए और ये हमारा एवरेज हो गया। उसके बाद में वही मेथड है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पॉइंट के बाद में सिर्फ दो वैल्यूज चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहां से जो है डिक्रीज डेसिमल से इन वैल्यूज को डिक्रीज कर सकते हैं, और उसके बाद में वैल्यूज को आप क्या करें इस तरीके से जो है एवरेज करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगी, ये आपकी एवरेज आ गई। उसके बाद में देखिए जैसे मान लीजिए आपको ये वाली पूरी वैल्यूज जो है, ये वाली पूरी वैल्यूज ये अपर केस में ले, अपर केस में वैल्यूज लेके, मतलब नेम को आपको अपर केस में लेके आना है। लास्ट टाइम एक कल या परसों जो एक बच्चे ने पूछा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए आपको ये सभी जो है जो ये छोटी एबीसी में है या प्रॉपर केस में है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू अपर, और मैंने क्या किया यहां से इस नेम को सिलेक्ट किया और क्लोज कर दिया, ये एंटर किया। अब देखिए उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं आपके पास में किस में कन्वर्ट हो गई, अपर केस में कन्वर्ट हो गई। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, यूज ऑफ अपर केस है ये, अपर केस यहां पे अपर केस कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा, सब्सट्रैक्ट प्रोडक्ट डिवाइड अपर केस और एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।